हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताने वाला हूं जो कि मेज़र करेगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैक्स में एक सीन आपको दिखा सीन है मेरे पास, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ जो ये स्क्रिप्ट है ये किस तरीके से हम अपने इसमें मैक्स में डालेंगे। तो इस स्क्रिप्ट का नाम है मल्टी डिस्टेंस मीटर, ठीक है। तो इसको सिंपली आपने ड्रैग करके और अपने मैक्स में छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको देखने के लिए आपने कस्टमाइज में जाना है, ठीक है, कस्टम यूज़र इंटरफेस में जाना है। और यहाँ से आपने टूल बार आपका आएगा, यहाँ से कैटेगरी में आप ये देखोगे ये बॉडी ULCG करके, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसमें आपको मिलेगा मल्टी डिस्टेंस मीटर, ठीक है। इसको या तो आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से एक न्यू टूल बार बना के और इसमें आप इसका नाम जो भी आप देना चाहते हैं नाम दे के और इसको इसमें डाल के और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आप जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। वेल, इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये आपको एक ह्यूमन फिगर दिख रहा है, इस ह्यूमन फिगर से और इस ह्यूमन फिगर के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और अपना जो स्क्रिप्ट थी मल्टी डिस्टेंस इसको ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट आपके जो जिनके बीच में आपको डिस्टेंस पता करना है दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमने शो डिस्टेंस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूँ। ये देखिए 237, ठीक है। 237 क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी जो फाइल है उसका यूनिट सेटअप जो है, वेल ये आई थिंक मीटर में करता है, ठीक है, हाँ ये मीटर में है। तो ये मेरी जो यूनिट सेटअप है वो इंचेस में है, ठीक है। तो ये 237 इंचेस है। अब हम इसको मेज़र करते एक बार अपने टॉप से, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ ये एग्जैक्टली उतना है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हम चेक करते एक बार, तो 237 इसके हिसाब से था तो हम 237 डाल के देखते हैं। ये देखिए आप इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इस तरीके से हम नापेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट आई थिंक इतना आ ही गया है ये। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये हमारा 237 इंचेस है, ठीक है, क्योंकि मेरी फ़ाइल जो है वो इंचेस में है। तो इसने भी 237 लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देखे मैं समझाता हूँ आपको। वेल, अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे ब्लू में चाहिए तो मैं इसको ब्लू कलर, जो भी आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है, अपने व्यू बोर्ड में आप वो कलर यहाँ से कर सकते हैं। और इसका जो लाइन का कलर है वो भी आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं आपको जो जिस भी कलर में चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लेते हैं इसको, हम रिमूव कर लेते हैं इन दोनों को। अब हम इन दोनों का डिस्टेंस देखते हैं, इसका और इसका, ठीक है। शो इसमें को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम शो डिस्टेंस इसने अपने आप ही दिखा दिया है, ठीक है, वो ऑन था हमारा। इन दोनों के बीच में 387 का, ठीक है, 387 इंच। और अब हम देखते हैं, ये तो हो गया इनके बीच, अब हम कार का देखते हैं, ठीक है, कार इसका भी हम ऐड कर लेते हैं। अब आप देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है 398, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही यूज़फुल टूल लगा मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। मेरे को काफ़ी टाइम से इसकी ज़रूरत थी इस स्क्रिप्ट की, ताकि मैं जो डिस्टेंस है वो पता कर सकूँ। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस स्क्रिप्ट का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।